Students, hello and good morning to everyone. Once again, welcoming you in the Python orientation program. And so far, we have discussed the interactive mode and script mode of Python language. And I hope that you all have understood that interactive mode and script mode. And I am hoping that you have practiced it. Okay. I have given you a kind of task in which you have to print your name, class, section, and your school name. That you all have done that. Okay, so it's now today's topic is variables and data types in Python. So students, I know that you all enjoy to learn the mathematics. सभी को अच्छा लगता है ना maths करना, है ना? Maths तो सभी की favorite subject है. थोड़ा सा आज maths का हम काम करेंगे computer के अंदर और Python programming के अंदर आज हम थोड़ा सा maths समझने वाले हैं. Maths का concept से हम Python सीखेंगे. बना हुआ ये वर्ड वेरी का मतलब होता है बदलना, जो फिक्स ना हो, ठीक है? और एबल का मतलब है जो बदल सकता है. पहले वेरिएबल का मतलब होता है बदल सकने वाला, बदल सकने वाला, ठीक है? तो सर, आज आप हिंदी पढ़ा रहे हैं कि कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं? जी नहीं, मैं आपको कंप्यूटर्स भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मेनी बता रहा हूँ. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू बदल सकती है. तो सर, क्या हम वेरिएबल का यूज हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे? अब ये क्वेश्चन बेटा, वेरिएबल का यूज हमें बहुत बार करना पड़ता है जब हमें पता नहीं होता है कि चीज फिक्स नहीं होती. जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको 50 से लेकर 60 लोगों का कुछ डेटा रखना है, तो आप एक एक बार उनका नाम नहीं लेंगे. आप क्या कहते हैं कि क्लास 6 है, क्लास 7 है. आपको एक नाम भी दिया गया है, आपको एक मेमोरी दी गई है कि हाँ, आप लोग क्लास 6 के हो, है ना? ऐसे ही पहचान दे जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. जैसे कि कई बार हम प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीजें यूज करेंगे जहां पर हमें वेरिएबल की नीड होगी, कैलकुलेशंस करना होगा, कुछ अर्थमेटिक लॉजिक्स लगाने होंगे जब हमें प्लस माइनस करना होगा. तो अभी तो देखो, जैसे कि आपने कर लिया 5 + 7, तो इसका जो भी आंसर आएगा 11 है, जो भी, ठीक है, 12. तो इसका आंसर तो फिक्स है. लेकिन अब मान लीजिए कि ये जो पहला नंबर है और ये जो दूसरा नंबर है, इसकी वैल्यू हमने को नहीं बताया, तो अपने क्या मानेंगे? तो अपने को क्या करना पड़ता है? वेरिएबल लेना पड़ता है. इसको अपने x मान लेंगे, इसको अपने y मान लेंगे, और ये जो तीसरा बॉक्स है जिसके अंदर आउटपुट आएगा दोनों का, उसको अपने z मान लेंगे. तो ये जो x है, ये जो y है, और ये जो z है, ये क्या है? वेरिएबल है. क्यों है वेरिएबल? क्योंकि इस बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी हमें नहीं पता है, और ये बदलती रहती है. जिसकी वैल्यू बदलती रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल. And I am hoping that you have understood the variable. Variable क्या होता है? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब variable की आप लोग definition देख लो बेटा, है ना? Variable की definition देख लो. For programming language. In programming, variables are naming location. Variables are naming location of any set of values. Of any set of values. ठीक है? यानी कि programming के अंदर variable का मतलब क्या है? Naming location, एक name देते हुए हमें location दे दिया जाता है कि क्या और कैसे एक वैल्यू, एक सेट ऑफ वैल्यू स्टोर होगी. ठीक है? जैसे कि मैं अगर बात करता हूं कि a = 5, तो देखिए प्रोग्रामिंग के अंदर होगा क्या, इंटरप्रेटर के अंदर होगा क्या, एक बॉक्स बनेगा. ठीक है? ये क्या है? मान लीजिए हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है ये. इसके अंदर a नाम का क्या है? वेरिएबल है. और वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो चुका है? 5. तो ये क्या है? इसका नेमिंग है. ठीक है? नेमिंग है, एज वेल एज इसका लोकेशन. ठीक है? 5 का नेम क्या हो गया है? a, और इसकी लोकेशन भी हो चुकी है, यानी इसका एड्रेस आ जाएगा. तो इसका मतलब जो है, a के अंदर जो मैंने 5 स्टोर किया है, अब मैं जब कहीं भी a लिखूंगा तो a का मतलब क्या होगा? 5 ही होगा. तो वेरिएबल का मतलब होता है नेमिंग लोकेशन देना. ठीक है? बताइए आप लोगों को समझ में.
चलिए देखते हैं, अब मान लीजिए एक एग्जांपल समझो का कि आप यहां पर दे रहे हैं a equals to 5 और b equals to 7। अब मान लीजिए आप इन दोनों को प्लस करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं a plus b। a मतलब अब सीधा सीधा 5 हो रहा है और b मतलब सीधा सीधा 7 हो रहा है, यानी कि अब 5 ना लिख करके मैं a लिख रहा हूं, 7 ना लिख करके मैं b लिख रहा हूं। तो ये क्या है, वेरिएबल है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो अब हम देखेंगे रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स को यूज करते वक्त क्या क्या हमें रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं या पाइथन क्या क्या अलाउ करता है और क्या क्या नहीं अलाउ करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, बहुत ही जनरल रूल्स है, आप लोगों को सबको पता है। पहला रूल क्या है, इट मस्ट लगा लो यहाँ पर, यानी कंपल्सरी ही है। इट मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। इट मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर, दैट मींस चाहे वो ए से लेकर जेड तक हो सकता है छोटे वाले, चाहे वो बड़े वाले ए से लेकर जेड तक हो सकता है, और चाहे वो अंडरस्कोर, अंडरस्कोर माने जो लास्ट वाला जो होता है ना इससे स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई वेरिएबल रखता हूं तो वो ऐसा नहीं होगा कि 1, 2, 3 = 5, ये वेरिएबल गलत माना जाए। ठीक है, क्योंकि तो ये पाइथन क्या होगा बेचारे को कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि वो तो कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो सोचेगा 1, 2, 3 = 5 ये क्या चीज है, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं x equals to 5 तो वो कह देगा अच्छा ठीक है 5 को मेरे को x की वैल्यू देनी है। अब सोचिए कि अगर आपको ऐसे स्टार्ट करना है अंडरस्कोर 1, 2, 3 तो ये अलाउड है, क्योंकि इसका जो पहला लेटर है पहला जो अक्षर का वेरिएबल का वो क्या है अंडरस्कोर, इसी कारण से ये अलाउड है। तो ये अंडरस्कोर से अपना वेरिएबल अलाउ करता है। अब मान लीजिए आपको नंबर यूज ही करना है तो आप ऐसे नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे कि x1 यूज कर सकते हैं, x2 यूज कर सकते हैं, a2, a5 कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने दिया a5 = 5 तो ये अलाउड है। ठीक है, a5 = 5 ये अलाउड है। लेकिन अगर आप कहें कि शुरुआत आपको नंबर से करनी है तो वो पाइथन आपको अलाउ नहीं करेगा। पाइथन तकरीबन कोई भी लैंग्वेज आपको नंबर से वेरिएबल स्टार्ट करने को अलाउ नहीं करती है। ओके, तो ये पहला रूल हो गया कि इट मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। सेकंड क्या है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। ओके, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। अब इसका नाम मैंने क्या दिया है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। सर केस सेंसिटिव का मतलब समझो, केस सेंसिटिव का मतलब देखो क्या, ये x इक्वल्स टू मैंने 5 लिखा, समझते हैं यहां पर x इक्वल्स टू मैंने 5 लिखा, क्या दोनों में कुछ अंतर है क्या? जी हां बिल्कुल होता है, ये है स्मॉल लेटर में, ये है कैपिटल लेटर में। अब पाइथन क्या सोचता है कि मैं कौन सा वाला 5 प्रिंट करूं, x वाला 5 प्रिंट करना है मेरे को या ये बड़े x वाला 5 प्रिंट करना है, कंफ्यूज होगा क्या? ठीक है, यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग है। ठीक है बेटे, अगर हम बात करें कि ये दोनों एक ही हैं, जी नहीं ये दोनों एक नहीं है, बिकॉज दिस इज स्मॉल लेटर स्मॉल और ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग है, यानी ये इसको भी प्रिंट कर देगा इसको भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर एक ही जैसे यूज करेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, और अगर आपको करना है तो उसको वैल्यू जो है उसका जो डेटा आपको जो देता है वो आप थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि पाइथन जो है वो कंफ्यूज ना हो। ओके, अब देखते हैं दो रूल हमने देख लिए हैं, क्या क्या रूल है, इट मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर और वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि इट शुड नॉट
contain any reserve word. It should not contain any reserve word. Sir, ये reserve word क्या है? Reserve word बोल दो चाहे keyword बोल दो. ठीक है, reserve word या keyword का मतलब होता है जो Python में पहले से ही कुछ words है. Python पहले से कुछ words use करता है. अगर अपने same चीज को variables में use करेंगे तो Python को allow करेगा. जैसे Python का एक word है print. हमने देखा था ना, Python का एक word है print. ये Python की तरफ से word है. ठीक है, Python का एक word है int. Python का एक word है else. Or, for, while. ये सब कुछ words हैं ना जो Python ने अपने लिए store कर रखे हैं. तो इनको अगर यूज करोगे आप ऐसे वेरिएबल, अगर आप मान लो ऐसे वेरिएबल देते हो कि print equals to 11, तो Python आपको मना कर देगा कि नहीं, this will not be allowed as a variable. अगर आप सबको कहते हो कि int equals to 23, तो भी आपको allow नहीं करेगा और ये आपको error show कर देगा. यानी आपको क्या करना है, variables को define करते हुए, variables को values देते हुए, variables को use करते हुए, आपको बहुत सारे rules नहीं, तो 3 से 4 rules ही आपको follow करने होंगे. और ये इतने general rules हैं कि अगर हम थोड़ा सा common sense लगाएंगे तो हम सीख सकते हैं. पहला रूल क्या था कि इसको कभी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, अगर नंबर पे स्टार्ट करना है तो अल्फाबेट से बाहर करना है. दूसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं वो है केस सेंसिटिव. ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए. देखो बच्चा, तुम लोग ही नहीं जो बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लोग सीख कर ना बीसीए में, पीजी डीसीए में, ओ लेवल में, ये बच्चे भी केस सेंसिटिव की गलतियां करते हैं. ठीक है, और फिर थर्ड रूल क्या है कि रिजर्व वर्ड का यूज नहीं करना है. रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो पाइथन में पहले से कुछ वर्ड ले रखे हैं ना, उसको आपको एज अ वेरिएबल यूज नहीं करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा. तो यस स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग द वेरिएबल्स इन डिटेल, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डेटा टाइप्स. व्हाट आर द डेटा टाइप्स? ठीक है, वेरिएबल्स का काम क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, नेम देने के लिए, लोकेशन देने के लिए. ठीक है, अब डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है वो देखिए. डेटा का मतलब है कुछ भी वैल्यू जो हम देते हैं, x, y, z, 1 से लेकर कुछ भी, a, b, c, d, है ना, कुछ भी अगर आप जो देते हैं उसे क्या कहलाता है, डेटा क्या कहलाता है, आपका नेम, क्लास, सेक्शन, कुछ भी जो आप लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो आपको आगे काम आएगा उसको क्या बोलेंगे, डेटा. अच्छा, टाइप्स का मतलब क्या है, टाइप का मतलब है कि हम किस टाइप का डेटा यूज करने वाले हैं. तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि पाइथन को बताना या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताना कि कौन सा टाइप के हम डेटा यूज करने वाले हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप. ठीक है, जैसे कि x equals to 5 है. बेटा देखो x क्या है, x है एक वेरिएबल, 5 उसकी क्या है, वैल्यू. यहां पर आपको बात आ जाएगी समझ में कि वेरिएबल का यूज कहां होता है. x क्या है, वेरिएबल, 5 उसकी वैल्यू. ठीक है, लेकिन ये किस टाइप का है, टाइप क्या है इसका बताओ, ये किस टाइप का है, ये नंबर टाइप का है. और अगर नंबर टाइप का है तो क्या बोलते हैं, ये इंटीजर टाइप का है. ठीक है, अगर नंबर टाइप का है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर. तो देखो उसका पहले डेटा टाइप्स का मीनिंग समझाया. डेटा टाइप्स टेल अस व्हिच टाइप ऑफ डेटा वी आर यूजिंग इन आवर कोडिंग. ठीक है, डेटा टाइप्स में क्या बताता है कि कौन से टाइप का डेटा हमें यूज करने वाले हैं. डेटा टाइप टेल्स अस व्हिच टाइप ऑफ डेटा we are going to use, we are going to use in program. Okay, in program. तो बेटा समझ में आ क्या होगा कि हमें बताना पड़ेगा पाइथन को. ठीक है, या पाइथन को पता लगेगा कैसे, अब जैसे कि 5 है कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का. किस टाइप का बेटा, इंटीजर. इसको इंटीजर नाम क्यों दिया गया, क्योंकि नंबर यूज कर रहा है. तो जो नंबर यूज करेगा उसे क्या बोलेंगे, इंटीजर. अगर कोई एबीसीडी यूज करता है, कोई एक सिंगल वर्ड यूज कर रहा है, या कोई एक वर्ड यूज कर रहा है, या कोई पूरा पूरा सेंटेंस यूज कर रहा है,
तो क्या है स्ट्रिंग, क्या है बेटा स्ट्रिंग, वापस देखो नंबर जब हम यूज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे इंटीजर। अगर कोई एक सिंगल अल्फाबेट, कोई एक वर्ड, कोई एक सेंटेंस यूज करता हूं यानी कि अल्फाबेट का यूज करता हूं तो उसे क्या बोलेंगे स्ट्रिंग। पाइथन से क्या होती है स्ट्रिंग। अगर मैं कोई चीज ट्रू और फॉल्स के रूप में यूज करता हूं, ट्रू और फॉल्स होता है कई बार आप लोग जब भी अपने एग्जाम देते तो कई चीज है ना ट्रू और फॉल्स होता है, पर कई बार हमें रियल लाइफ में भी हमें आंसर किसे देना होता है, या तो कोई बात सच होती है या तो कोई बात झूठ होती है, या तो किसी बात से एग्री कर रहे होते हैं या हम डिसएग्री कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीजें हमें यूज आएंगी। तो अगर किसी चीज का आंसर ट्रू या फॉल्स रहेगा तो उसको क्या बोलता है पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको बोलता है बूलियन, उसको क्या बोलेगा बूलियन। और लास्ट डेटा टाइप जो है वो है कि अगर कोई वैल्यू पॉइंट्स में आती है, फ्रैक्शंस में आती है, यानी कि डेसिमल्स में आती है, तो उसको क्या लिखेंगे, जैसे कि 1.5, 2.37, तो उसको क्या बोलता है वो फ्लोटिंग, क्या बोलता है का फ्लोटिंग। ये मैंने आपको आज के वो जनरल डिस्कशन ही बताया है इसका, डेटा टाइप्स का, इसके टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स की डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, इसके टाइप का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा ना उसके अंदर मैं आपको डेटा टाइप्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रिवाइज करा रहा हूं, रिवाइज के लिए मेरे साथ था। अगर आप नंबर से यूज करेंगे, नंबर से यूज करेंगे तो क्या इंटीजर, ठीक है। अगर आप अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, सेंटेंस यूज कर रहे हैं, कोई भी वर्ड कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर हेलो यूज कर रहे हैं, हेलो आपका नेम, मेरा रैंक, स्कूल का नाम, अगर आपका कोई लाइन लिखनी है तो क्या माना जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। अगर आप कोई चीज डिसीजन मेकिंग करते हैं, कोई चीज ट्रू में या फॉल्स में डिसीजन लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे बूलियन, क्या बोलेंगे बूलियन। और अगर आप डेसिमल में, फ्रैक्शन में, पॉइंट वाली यूज करते हैं वैल्यूज तो उसे क्या बोलेंगे फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, एंड आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन एंड डिटेल ऑफ द वेरिएबल एंड द डेटा टाइप्स, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल।